देखो आपने क्या करा, शुगर के प्राइस को 20% डिक्रीज कर दिया। शुगर के प्राइस को कर दिया आपने 100 से 80, तो आपको कंजप्शन को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 20/80, 1/4। अगर आपने शुगर के प्राइस को 1/4, राधिका बैंकिंग एसएससी सबके लिए है और आप वर्कशीट भी सब करोगे, एसएससी की वर्कशीट भी मिलेगी, बैंक की वर्कशीट भी मिलेगी और आपको कंप्लीट ही कराया जाएगा। तो देखो आपके पास अगर आपने शुगर के प्राइस को 20% डिक्रीज कर दिया तो आपने कंजप्शन को कितना इंक्रीज हो गई आपके पास। अगर आपने शुगर के प्राइस को 20% डिक्रीज कर दिया तो कंजप्शन कितना इंक्रीज हो गई, 20 kg। तो ट्वेंटी इसका परसेंट मतलब इस इंक्रीज। वन की वैल्यू है आपके पास 20, वन की वैल्यू है आपके पास 20। तो आप ये बताओ ओरिजिनल कंजप्शन मींस 4 की वैल्यू कितनी होगी। वन की वैल्यू है आपके पास 20, तो बच्चों ओरिजिनल कंजप्शन मीन्स 4 की वैल्यू कितनी होगी, 80। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ओरिजिनल कंजप्शन, तो आपका आंसर कितना होगा। देखो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसकी ये फर्स्ट क्लास हो तो वो अपनी जो प्रीवियस वीडियोस है ना उनको भी कवर करना। साथ साथ में कवर करते रहना। तो देखो आपके पास ओरिजिनल कंजप्शन होगी 80। ओरिजिनल कंजप्शन है आपके पास 80 और अनिमेश करंट कंजप्शन कितनी होगी। बताओ ओरिजिनल कंजप्शन है 80 तो करंट कंजप्शन कितनी होगी, 100। भाई ओरिजिनल में आप कितना परचेज करते थे, 80 kg शुगर, और अब आप कितने केजी परचेज करते हो, 20 kg मोर। तो अब आपको करंट कंजप्शन कितनी होगी, 100। भाई आपकी ओरिजिनल कंजप्शन है 80 और अब आप 20 kg मोर परचेज करते हो, तो इसका मतलब अब आपकी करंट कंजप्शन कितनी होगी, 80 + 20, 100 kg। आप ओरिजिनल प्राइस बताओ कितना होगा। देखो आपके पास टोटल अमाउंट है 400, टोटल आपके पास अमाउंट है 400, 400 रुपीज में आप 80 kg शुगर परचेज करोगे तो 1 kg शुगर का प्राइस कितना होगा, 400/80। आप 400 रुपीज में 80 kg शुगर परचेज करोगे तो 1 kg शुगर का प्राइस कितना होगा, 400/80। मीन्स आपके पास ये जो शुगर है इसका ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, 5 रुपीज/kg, और आपके पास करंट प्राइस कितना होगा। अब सब बच्चे बताओ करंट प्राइस, बताओ बच्चों जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं बैठ के वो भी बोलो। करंट प्राइस कितना होगा, अब करंट में आप 400 रुपीज में 100 kg शुगर परचेज करते हो तो इसका मतलब करंट प्राइस कितना होगा, 4 रुपीज/kg। ओरिजिनल कंजप्शन होगी 80, करंट कंजप्शन होगी 100, ओरिजिनल प्राइस होगा 5, करंट प्राइस होगा 4। तो बच्चों अब आप सब समझ गए क्वेश्चन, 400। भाई ये तो 400 तो आपके पास अमाउंट है, अमाउंट तो आपके पास सेम ही है,
ये जो 400 है ये तो आपके पास अमाउंट है, आपने कंजप्शन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करा है, अमाउंट आपके पास सेम है, पहले भी आपके पास 400 था और अब भी आपके पास 400 है। देखो ये जो आपके पास कंजप्शन वाले क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा और एक क्वेश्चन आएगा इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। सर एक एक चीज पूछना थी पिछले वाले क्वेश्चन में। सर हाँ जी बोलो। जैसे आपने जो था 80% कम कर दिया, मतलब 20% कम किया पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट उसका, तो मैंने ऐसा ले लिया पहले 100 था फिर 80 हो गया, तो उसमें कंजम्पशन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 80 और दूसरी बार में 100, वो भी ठीक है। तो मतलब जो डिफरेंस आ रहा है कंजम्पशन में सर वो 20 आ रहा था, मतलब 20 बढ़ गया उसका, और वही क्वेश्चन में दिया है तो मतलब जो 100 है उसकी वैल्यू 400 हो जाएगी, ऐसा करके किया है मैंने। हाँ वो भी ठीक है, वो भी करेक्ट है। ठीक है सर। अब देखो आपके पास एक ये क्वेश्चन नंबर है आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट 36, यहां से भी एक क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा, करो इसको रीड। लिख ही नहीं रहे सर। क्वेश्चन नहीं दिख रहा बच्चों, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट फिर से कर लेता हूँ प्लीज। रितेश एक बार आप रिफ्रेश करो। हाँ सर। और जिनको दिख रहा है आप सब रीड करो, जिनको नहीं दिख रहा वो एक बार रिफ्रेश कर लो। बच्चों आप सबने क्वेश्चन को रीड कर लिया? देखो एक पर्सन है वो अपनी इनकम का 60% स्पेंड कर देगा, एक पर्सन है उसकी कुछ इनकम होगी, उस पर्सन ने अपने इनकम का 60% स्पेंड कर दिया, उसके बाद उसकी इनकम 15% इंक्रीज हो गई, जो भी उसकी इनकम थी वो 15% इंक्रीज हो गई, और जो भी उसका एक्सपेंडिचर है वो भी 15% इंक्रीज हो गया, तो आपको फाइंड आउट करना है उसकी सेविंग में कितने परसेंट के चेंजेस होंगे। भाई अगर स्टार्टिंग में वो अपनी इनकम का 60% स्पेंड करेगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो बेचारा सेव करेगा ही, और अब भी वो कुछ ना कुछ सेव करेगा, तो आपको फाइंड आउट करना है उसकी सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुई। अब आप ये बताओ 60% की फ्रैक्शन कितनी होगी? देखो आपको ना बस यही काम करना है क्षितिज, 60% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/5 नहीं 3/5 होगी। थ्री अपॉन फाइव। देखो सपोज एक पर्सन है उसकी इनकम है 5, सपोज एक पर्सन की इनकम है 5, उसने अपनी इनकम का 60% स्पेंड कर दिया, 5 का 60% कितना होगा? 3। ये जो मैन है इसका एक्सपेंडिचर कितना है? 3। एक पर्सन की टोटल इनकम है 5, उसका एक्सपेंडिचर है 3, तो उसकी सेविंग कितनी होगी? इनकम में से आप एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास सेविंग आ जाएगी 2। अब आप क्या करो, इसको कर लो 500, 3 को 300 और 2 को 200, बात तो अब भी ओके सेम सर। है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। फिर आप जब ओके इनकम सर। को 15% इंक्रीज करोगे, तो जब आप 5 का 15% इंक्रीज करोगे तो डेसिमल आ जाएगा, तो इसको आप 500, 5000 कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। अब देखो
ये जो पर्सन है इसकी इनकम कितना इंक्रीज हुई, 1500। तो इस पर्सन की न्यू इनकम कितनी होगी भाई, इसकी ओरिजिनल इनकम है 500, आपने इसकी इनकम को 15% इंक्रीज कर दिया, 500 का 15% कितना होगा, 75। इसका मतलब ये जो मैन है इसकी न्यू इनकम कितनी होगी, 575। उसके बाद आपने एक्सपेंडिचर को भी 15% इंक्रीज कर दिया, 300 का 15% कितना होगा, 45। तो इसका अब न्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा इस मैन का भाई, आपने एक्सपेंडिचर को 15% इंक्रीज कर दिया, तो न्यू एक्सपेंडिचर होगा 345। न्यू इनकम है 575, न्यू एक्सपेंडिचर है 345, तो बच्चों न्यू सेविंग कितनी होगी, 230। तो बस आपको यही फाइंड आउट करना है, ये जो मैन है ये स्टार्टिंग में सेविंग करता था 200 और अब प्रेजेंट में ये सेविंग करेगा 230, तो इसकी सेविंग कितना इंक्रीज हुई, 30। और ये 30 इंक्रीज हुई ओरिजिनल सेविंग 200 पर, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से तो ये कितना होगा, 15%। अगर आप एक पर्सन की इनकम को 15% इंक्रीज करोगे, उसके एक्सपेंडिचर को भी 15% इंक्रीज करोगे, तो उसकी सेविंग कितना हो जाएगी, 15%। तो बच्चों अब बताओ ये बात समझ आई, जो आपको अभी 19 वाले सीजीएल के क्वेश्चंस दिए थे उसमें भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक बार आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा, ये एक्सप्लेन करना है बताओ, सर अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15% एंड हिज, उसके बाद नहीं दिख रहा है यहां साइड में कुछ ब्लॉक टाइप का है, एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 15%। अच्छा, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग्स, इन हिज सेविंग, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 37 एक्सप्लेन कर दूंगा, एकदम सेम है, एकदम सेम, ठीक है, बस ये 60 के प्लेस पर 75 होगा, उसके बाद आप इसको देखना, अगर डाउट है तो फिर पूछ लेना, ठीक है। देखो रितेश एकदम सेम है, अब आप इस क्वेश्चन को रीड करो और सब बच्चे एक बार ट्राई करो आंसर कितना होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मनीषा, ये जो अभी हमने मेथड करा था आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा, वरना फिर बातें ना याद करने वाली हो जाएंगी। करो इसको ट्राई, सबसे पहले आप 75% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, 3/4। अब करो इसको ट्राई, फिफ्टी परसेंट बच्चों सब ट्राई करो, आंसर आपका क्या है बताओ आप, एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 36 और 7,
50% 60% देखो, एक पर्सन अपने इनकम का 75% स्पेंड करेगा। सपोज इस पर्सन की इनकम है 400, सपोज ये जो पर्सन है इस पर्सन की इनकम है 400, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 300। और अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास सेविंग कितनी आएगी? 100। रितेश आपको ये बात समझ आई? सर वही 3/4 को आपने 100% लिया है ना, वहां से इसलिए 400। अब हमने 4 को 400 कर लिया और 3 को 300। ठीक है सर, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। आप क्वेश्चन नंबर 36 एकदम सेम था। अच्छा सर, देखो उसके बाद इस पर्सन की इनकम को कितना इंक्रीज करा? 20%। अगर 100 नहीं करते तो आपके पास बस डेसिमल आ जाता, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। आंसर सेम ही रहता, आप 4 को 4 ही रहने दो, 3 को 3 रहने दो, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। अब आप ये बताओ इस पर्सन की इनकम को कितना इंक्रीज करा? 20%, तो 400 का 20% कितना होगा? 80। रितेश बात समझ आई? 80 कैसे होगा? नहीं सर, देखो यह है आपके पास 400 जी सर। 400 का 20% आपको फाइंड आउट करना है, तो 400 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100 तो ये कितना होगा? 80। आपने इस पर्सन की इनकम को 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब 400 तो ये ऑलरेडी है, आपने इसको 80 इंक्रीज कर दिया, तो न्यू इनकम कितनी होगी? 480। अब उसके बाद आपने एक्सपेंडिचर को 10% इंक्रीज कर दिया, आपके पास एक्सपेंडिचर है 300, तो रितेश 300 का 10% कितना होगा? देखो आपने नॉर्मल ऐसे कर लिया करो, 300 आपको 300 का 10% फाइंड आउट करना है, 300 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 आपके पास आ गया 30, 300 का 10% होगा 30, तो इसका मतलब ये जो मैन है इसका न्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा? 330। अब न्यू इनकम है 480, न्यू एक्सपेंडिचर है 330, तो इसका मतलब न्यू सेविंग कितनी होगी? 150। देखो फ्रैक्शन कैसे निकाल रहे हैं, इसी के लिए आपको वो स्टार्टिंग वाली वीडियोस कवर करनी है। 100 by 150 into 100, क्योंकि या फिर अभी कोई न्यू बैच स्टार्ट होगा आप वहां देख लेना, लेकिन आप एक बार उन वीडियोस को देख लेना तो सही रहेगा। देखो आपके पास स्टार्टिंग में सेविंग कितनी थी? 100, अब आपके पास सेविंग कितनी है? 150, तो सेविंग कितना इंक्रीज हुई? 50 किस पे इंक्रीज हुई? 100 पे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा? 50%। सब बच्चे बात समझ गए? हाँ सर। या फिर किसी को कोई डाउट, दिल में किसी प्रकार का कोई दर्द? अब देखो बच्चों अपना थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंक्रीज करते हैं, अब इस क्वेश्चन को करो ट्राई। अब इस क्वेश्चन में आपको इनकम और एक्सपेंडिचर ऑलरेडी गिवन है, वो जो पर्सन है उसकी इनकम है 8550
और एक्सपेंडिचर है 5700। आपने इनकम को इंक्रीज करा 19%, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करा 13%, तब आपको फाइंड आउट करना है सेविंग में कितने चेंजेस होंगे। करो ट्राई। और बच्चों बताओ आप सब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, बस आप वो ही बता दो कैसे सॉल्व करोगे। तो बच्चों यहां से आपके पास सेविंग कितनी होगी, अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास सेविंग कितनी होगी। टू एट फाइव जीरो। वेरी गुड। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इनकम को 19% इंक्रीज, तो करो फिर बच्चों 19% इंक्रीज। क्षितिज पूरी हिम्मत कर रहे हो आप, बच्चों जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी तो आपको एक बात बताई होगी और आपसे ये भी कहा होगा इस बात को दिल में बसा लेना, अब वो बात बताओ उस बात को दिल में से बाहर निकालो। ये फ्रैक्शन में और परसेंटेज में कभी ओरिजिनल वैल्यू यूज नहीं करेंगे। फ्रैक्शन में और परसेंटेज में, वेरी गुड। और कोई बच्चा? डेसिमल से बचने बोले थे ना सर भाई। डेसिमल से बचने के लिए बोल दिया। और कोई? परसेंटेज एंड रेशियो में बोला था, फ्रैक्शन में नहीं। देख लिया पीछे से दीपक? नो सर, लिटरली याद आया, देखा नहीं है। बच्चों आपको एक बात समझाई थी कनिका की, बात एकदम ठीक है, अगर कभी भी आपको परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी नीड नहीं है आपको, तो फिर आप क्यों इसको यूज कर रहे हो। और देखो जैसे आप यहां भूल गए ना, आपने क्वेश्चन देखा और सीधा करना स्टार्ट कर दिया, आप एग्जाम में भी ऐसे ही करोगे, तो इस बात को ना हमेशा याद रखना। देखो आप इनकम और एक्सपेंडिचर को ये तो नहीं लोगे, लेकिन आप इनका रेशियो ले सकते हो, उससे आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा। भाई आपकी जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो सेम होगा। अब यहां से ना इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो फाइंड आउट कर लो कितना होगा। अब इन दोनों को आप 19 से डिवाइड करो। अनमोल आपको फाइंड आउट करना है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 3:2। आपने क्या करा, 855 को 19 से डिवाइड करा और 570 को भी 19 से डिवाइड करा, उसके बाद आपके पास आएगा 45 और 30 को डिवाइड कर लो 15 से, तो आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 3:2। तो इसका मतलब आप इनकम को एज्यूम कर लो 300, एक्सपेंडिचर को एज्यूम कर लो 200, तो बच्चों सेविंग कितनी होगी। 100। अब तो ये क्वेश्चन वही हो गया जो हमने अभी अभी करा था, बताओ आंसर कितना होगा। आप डायरेक्ट वैल्यूज से कभी सॉल्व मत करना, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो फाइंड आउट कर लो 3:2। तो इनकम को एज्यूम कर लो आप 300, एक्सपेंडिचर को 200।
15%, 31%, 31%, 31. देखो अब आपने क्या करा, इनकम को 19% इंक्रीज, रितेश 300 का 19% कितना होगा? बता रहा हूँ सर, देखो आपको कुछ नहीं करना होता, 300 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 100, थ्री हंड्रेड का 19% होगा 57, तो इसका मतलब ये जो मैन है इसकी न्यू इनकम कितनी होगी? 357. देखो आपको ना डेसिमल को रिमूव ही करना है, अब उसके आपके पास बहुत सारे मेथड होंगे, वो धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे. आपने इनकम को 19% इंक्रीज कर दिया और उसके बाद एक्सपेंडिचर को कितना इंक्रीज करा? 13%. 200 को 13% कितना होगा? 26. तो आपके पास न्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा? 226. न्यू इनकम है 357, न्यू एक्सपेंडिचर है 226, तो न्यू सेविंग कितनी होगी? 131. सेविंग कितनी इंक्रीज हुई? 31%. सर इधर 19 किए थे और इधर 13 होगा. हाँ क्वेश्चन में गिवन है ना. आपने इनकम को 19% इंक्रीज करा और एक्सपेंडिचर को 13%. ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट? बच्चों कोई डाउट नहीं है तो फिर देखो आप क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताओ फिर. आप ना सबसे पहले इनका रेशियो फाइंड आउट करो. आपके पास इनकम कितनी है? 7350. एक्सपेंडिचर कितना है? 4900. तो आप यहां से इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो फाइंड आउट करो और इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो बताओ कितना होगा. बच्चों आंसर बाद में बताना, पहले आप रेशियो बताओ. 7 से डिवाइड करो कितना होगा? 105. 7 से डिवाइड करो कितना होगा? 70. दोनों को 35 से डिवाइड करो कितना होगा? 302. आपके पास रेशियो है 302, तो इसका मतलब आप इनकम को एज्यूम कर लो 300 और एक्सपेंडिचर को एज्यूम कर लो 200. और जब आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास आ जाएगी बच्चों सेविंग 100. अब तो बच्चों आप सब इसका आंसर बता ही दो कितना होगा. इनकम को आपने कितना 25, अभी देखते हैं कितना होगा. इनकम को आपने 13% इंक्रीज करा तो आपके पास न्यू इनकम कितनी हो जाएगी? 339. एक्सपेंडिचर को आपने 7% इंक्रीज करा तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 214. अब आपके पास न्यू सेविंग कितनी होगी? तो सेविंग कितनी इंक्रीज हुई? 25%.
अब बच्चों आप देखो, हाँ बोलो रितेश। पर वो रेशियो वाला जो आप बोल रहे थे ना 4900, उसको किससे डिवाइड किए थे हम लोग, 13 और 7 से ना, 13 से नहीं, 7 7 से, दोनों को 7 से। 7 से क्यों सर? तो वो तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा इसका, ये तो बस आप प्रैक्टिस से पता कर सकते हो। ये तो आपको इन दोनों वैल्यूज को ना डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ है 735, यहाँ है 490, तो दोनों को 7 से डिवाइड करो, कितना होगा 105, ये कितना होगा 70, उसके बाद 35 से डिवाइड करो, कितना होगा 3, कितना होगा 2। नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा था, पूछ रहा था कि वो 13 और 7 का जो परसेंटेज है उससे डिवाइड नहीं करना है, मतलब ये नॉर्मल हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं। ये तो नॉर्मल है, आपके पास किसी से भी कर लो। अच्छा अच्छा ठीक। तो बच्चों आपको इस इनकम और एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट, एक बार अपने नोटबुक चेक करो आप। नहीं फिर अब इस क्वेश्चन नंबर 40 को रीड करो। आप सब एक आपके पास एग्जीबिशन है, उसका एंट्री टिकट है 5 रुपीज। जब आपने इस टिकट के प्राइस को 20% डिक्रीज कर दिया, तब आपकी जो सेल है वो 44% इंक्रीज हो गई। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास नंबर ऑफ विजिटर्स कितने परसेंट इंक्रीज हुए। अब इस कंप्लीट क्वेश्चन को जब आपने रीड करा होगा तो आपको एक बात समझ आई होगी, इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी नंबर ऑफ विजिटर्स गिवन नहीं है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो नंबर ऑफ विजिटर्स, भाई इस कंप्लीट क्वेश्चन में आपको कहीं भी नंबर ऑफ विजिटर्स तो गिवन ही नहीं है, तो फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो हाँ या फिर ना। 44% ही आ जाएगा क्या? नहीं वो तो अभी देखेंगे बाद में क्या आएगा। नहीं मतलब जैसे जितना टिकट का सेल जितना इंक्रीज हुआ है, मतलब पर टिकट एक ही बंदा हुआ तो जितने टिकट ज्यादा बिके उतने ज्यादा लोग आएंगे, तो उनकी इनकम में भी तो चेंजेस होंगे ना, वो तो हम अभी देखेंगे। आप पहले ये बताओ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो या फिर नहीं। बच्चों इस बात को बताने में भी आप इतना सोच रहे हो सर, आप वो तो हो जाएगा सर। बिल्कुल देखो, नंबर ऑफ विजिटर्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप ना टोटल रिवेन्यू अज्यूम कर लो। सपोज टोटल रिवेन्यू है आपके पास 100, सपोज टोटल रिवेन्यू है 100 और पर पर्सन टिकट का प्राइस कितना है 5 रुपीज, तो अगर आप इस 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि स्टार्टिंग में आपके पास कितने विजिटर्स होंगे। बताओ बच्चों, आपने ये जो 100 है इसको एज्यूम कर लिया, सपोज ये जो एग्जीबिशन है इसका टोटल रिवेन्यू है 100, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां आपको टोटल रिवेन्यू को ही एज्यूम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन वैसे कभी कभी आते हैं एग्जाम में। तो बच्चों आप ये बताओ, आपको ये बात क्लियर हुई, स्टार्टिंग में आपके पास 20 विजिटर्स होंगे, अब देखो आपने क्या करा, ये जो टिकट का प्राइस है इस प्राइस को 20% डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब टिकट का न्यू प्राइस कितना होगा 4। इसका मतलब ये जो टिकट है इस टिकट का न्यू प्राइस कितना होगा 4। जब आपने टिकट के प्राइस को 4% डिक्रीज 20% डिक्रीज करा, तो जो आपकी नेट इनकम है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई, 44%। इसका मतलब अब प्रेजेंट में आपकी टोटल रिवेन्यू कितना होगा 144 और आपका पर पर्सन प्राइस कितना है 4।
तो अब आपके पास कितने विजिटर्स होंगे? 36। बताओ बच्चों, बात समझ आई या फिर नहीं? देखो एक बार फिर से समझ लो। देखो सपोज आपके पास टोटल रिवेन्यू है 100 और पर पर्सन टिकट का प्राइस है 5, तो अगर आप इस 100 को पर पर्सन टिकट के प्राइस से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ विजिटर्स मिल जाएंगे। इसका मतलब स्टार्टिंग में थे आपके पास 20 विजिटर्स, अब आपने क्या करा, टिकट के प्राइस को 20% डिक्रीज कर दिया। 5 का 20% कितना होगा? 1। तो आपने टिकट के प्राइस को 1 रुपीज डिक्रीज कर दिया, तो टिकट का न्यू प्राइस कितना होगा? 4। आपने टिकट के प्राइस को 20% डिक्रीज करा तो आपकी इनकम 44% इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब आपकी न्यू इनकम कितनी होगी? 144। तो अब आपके पास विजिटर्स कितने होंगे? 36। तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि विजिटर्स कितने परसेंट इंक्रीज हुए। स्टार्टिंग में आपके पास विजिटर्स थे 20, अब आपके पास विजिटर्स है 36, विजिटर्स कितने इंक्रीज हुए? 16। और ये इंक्रीज किस पर हुए? 20 पर। 16/20 कितना होगा? 4/5। 4/5 कितना होगा? 80%। 36 कहाँ से आ गया सर? 36 जब आपने 144 को 4 से डिवाइड करा। अच्छा सर, यहाँ पर ये भी है ना, 20% का रेशियो, तो 1 जो है ना इंक्रीज हुए 20%, उसी को हम लोग कैलकुलेट किए थे क्या? हाँ, इसलिए अगर आपका ओरिजिनल प्राइस 5 है, आपने इसको 20% डिक्रीज कर दिया, तो 5 का 20% कितना होगा? 1। तो आपके पास न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 4। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? तो बच्चों बस अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। अब इसका आंसर बता दो बच्चों कितना होगा? फोर विजिटर गए होंगे। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम 60%। देखो यहां भी आप टोटल रिवेन्यू को ना 100 एज्यूम कर लो। सपोज टोटल रिवेन्यू है आपके पास 100, राधिका आपको किसी भी बुक की कोई नीड नहीं होगी, सब कुछ आपको मैं खुद से प्रोवाइड करूंगा, और आपको ना कोई बुक परचेज करनी भी नहीं है, सब कुछ आपको खुद से मिलता रहेगा। सपोज आपके पास टोटल रिवेन्यू है 100 और स्टार्टिंग में आपके पास पर पर्सन टिकट का प्राइस कितना था? 25। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में आपके पास कितने विजिटर्स होंगे? 4। अब आपने क्या करा, टिकट के प्राइस को 20% डिक्रीज। तो अब आप सबसे पहले ये बताओ टिकट का न्यू प्राइस कितना होगा? 24। 20। आपके पास टिकट का प्राइस है 25, आपने इसको 20% डिक्रीज कर दिया, तो 25 का 20% कितना होगा? 5।
तो आपने टिकट के प्राइस को 5 रुपीज कम कर दिया, तो 20 हो गया। टिकट का प्राइस कितना हो गया? 20। और जो आपका रिवेन्यू है वो कितना इंक्रीज हो गया? 28%। तो इसका मतलब न्यू रिवेन्यू कितना होगा? 128। तो अब आपके पास कितने विजिटर्स होंगे? 6.4। भाई अब आपके पास कितने विजिटर्स होंगे? 6.4। तो आपको यही फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग में आपके पास विजिटर्स थे 4, अब आपके पास विजिटर्स हैं 6.4, तो विजिटर्स कितने इंक्रीज हुए? 2.4 upon 4 upon 4 60। तो नंबर ऑफ विजिटर्स कितने इंक्रीज हुए? 60%। तो बच्चों आपको आज की क्लास में कोई डाउट? अब कल हम फिर से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। यार ये बोल रहा था टिकट के प्राइस की रिजर्व